हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आज मिस्टर्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हमारे अब्बा के दोस्त के घर और उनके पास बिल्लियों का बहुत बड़ा सा कलेक्शन है। ये देखिए, ये है लीजा और यहाँ पीछे बहुत सारे सर्टिफिकेट और मेडल भी है जो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। आपकी बिल्ली का क्या नाम है? इसका नाम लीजा है। और इसको मेंटेन कैसे करते हैं? इसको मतलब हर 15 दिन में एक बार उसका पूरा कंप्लीट मेडिकेटेड बात देता हूँ मैं, और साथ में जो है हफ्ते में एक बार इसके नेल कटिंग, ईयर क्लीनिंग वगैरह, और ग्रूमिंग तो डेली करना पड़ता है इसको। और इसका जो ग्रूमिंग होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग दो टाइम, तो मॉर्निंग इसको एक हाफ एन आवर स्पेंड करना पड़ता है, इवनिंग एक हाफ एन आवर, बस उसका मेंटेनेंस ही है 15 डेज में एक बार मेडिकेटेड बात। और इसकी एज क्या है? अभी इसकी 1.5 ईयर्स है, 1.5 ईयर। इसको कौन कौन से सर्टिफिकेट मिले? इसको रिसेंटली HCF में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, ये इसका गो पपी का HCF का शो है, तो इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। और उसके साथ में ये TCA में भी, तेलंगाना कैनिन एसोसिएशन में जो हैदराबाद में हुआ था, तो वहाँ पर मैंने ये सर्टिफिकेट गेन किया था। और उसके साथ साथ लास्ट ईयर रिसेंटली मतलब WCF का इंटरनेशनल शो भी हुआ था, तो उसमें भी मैंने इसका सर्टिफिकेट लिया था। और उसके बाद में ये उसका पेडिग्री सर्टिफिकेट है, हाँ, तो उसका ये वाला पेडिग्री सर्टिफिकेट है और उसका रिव्यू। और TCA में इसको बेस्ट ग्रूमिंग अवार्ड भी आया था, उसका मेडल और ये जो ट्रॉफी आया था उसको बेस्ट ग्रूमिंग अवार्ड। फ्रेंड्स, अब देखिए हमारे साथ आगे बिल्ला, इसका नाम है ऑस्कर। इसकी ब्रीड कौन सी है? ये अभी बंगाल ब्रीड है, इसको बंगाल ब्रीड कहते हैं। तो यहाँ पर बंगाल्स में मतलब कई वैरायटीज होते हैं, तो बंगाल में एक्चुअली इसका देखना चाहिए कि ये जो पैटर्न आया है, आपको जो पैटर्न दिख रहा है, ये इसके पैटर्न के ऊपर हम लोग जो है जज कर सकते हैं कि ये बंगाल है। और इसका अगर आप देखोगे तो इसका जो साइज़ होगा ये वाला, तो ये पूरा कम्प्लीटली रेक्टेंगुलर में रहना चाहिए, और इसका जो टेल है ये उठे हुआ रहना चाहिए एकदम। तो ये ओरिजिनल ब्रीड है। तो अभी फ़िलहाल इसका जो है हम लोग लिए हैं इसको 1.5 लाख में। तो अभी हमारे पास जो हमारी अशरफ कैटेगरी मतलब कैटरी जो है अशरफ कैटरी, तो अशरफ कैटरी में सबसे ज़्यादा कॉस्टली अभी तो ये बंगाल आइटम है। अभी ये हम लोग के पास पूरा इसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, तो इसमें हम लोग पूरा जो है वैक्सीनेशन करवाए थे इसका, डीवॉर्मिंग वगैरह, मतलब कौन से कब अडल्ट में कब कराना है, पूरा डॉक्टर से हम लोग प्रिस्क्रिप्शन ले करके इसको वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो इसका अभी आस्किंग प्राइस अराउंड लाइक 1.5 to 1.7 लाख तक आ रहा है उसका। फ्रेंड्स, अब देखिए पहले हम लोग के पास लीजा थी, उसकी सेम कलर और ब्रीड में, और एक कैट है, इसका नाम है सिंड्रेला। तो ये वाला जैसे अभी पहले आप लोग को मैं बताया था लीजा, वो भी सेम कलर में है, वो भी इसका सेम ब्रीड है, इसको कैलिको बोलते हैं एक्चुअली। तो कैलिको में रहता क्या है कि मतलब इसमें 3 कलर्स मिक्सअप होते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कलर्स है, ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट। तो ये पैटर्न में जो भी आता है उसको कैलिको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो फर्क ये है कि इसका जो नोस है, अभी आप देख सकते हो नोस इसका, ये थोड़ा लाइट की वजह से डिस्टर्ब है, तो इसका जो नोस है ये एकदम पंच फेस में, एक्सट्रीम पंच। तो जो पहले वाली जो में थी कैलिको, वो वाला सेमी पंच में था। तो अभी ये जो है फ़र्क इसमें इतना है, ये फ़र्क है, दोनों भी पर्शियन है बट नोस में जो है फ़र्क है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास नेक्स्ट कलेक्शन है शाह, इसकी कौन सी ब्रीड है? ये भी पर्शियन ब्रीड है, ये एक्सट्रीम पंच फेस में है। तो इसका जो है जो कलर आया है ये बायो कलर में है पूरा, आप देख सकते हो बायो का कलर, मतलब इसमें 2 कलर्स होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर देख सकते हो व्हाइट एंड ब्राउन, तो ये इसको बायो कलर कहते हैं।
तो ये अभी एक्सट्रीम पंच में, इसका नाम है शाह, हम लोग इसका नाम शाह रखे हैं प्यार से। और ये कितने साल का है अभी? ये अभी 1 ईयर का है। अच्छा। 1 ईयर एज का है। और ये भी कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है? हाँ, रिसेंटली जो है इसका ये जो सर्टिफिकेट है द फाइन क्लब ऑफ इंडिया शो में पार्टिसिपेट करा था FCI में, तो 5th प्लेस में हैदराबाद में 5th प्लेस चैंपियनशिप में आया है ये विनिंग अवार्ड में। अब हमारे साथ आ गई प्रिंसेस, इसकी कौन सी ब्रीड है? ये भी पर्शियन है, इसको हिमालयन बोलते हैं। तो इसमें जो है अलग दूसरे पर्शियंस में और इसके पर इसके इसके उसमें मतलब डिफरेंस ये होता है कि पॉइंट्स, जो कलर पॉइंट्स आते हैं जैसे कि अभी ईयर्स के ऊपर और नोज़ के ऊपर और ये जो पीछे टेल पे जो पॉइंट आया है, तो इसके इसको हिमालयन ब्रीड कहते हैं। ये भी ट्रेडिशनल लॉन्ग हेयर में है। और इसकी क्या है एज? अभी इसकी भी 1 ईयर है। 1 ईयर है अभी प्रेजेंट, इसको हीट में है अभी नो, इसको मेडिंग कराना है। और इसका कॉस्ट कितना है? इसका आएगा आपको 25,000 to 30,000। अब हमारे पास और एक बिल्ली आ गई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम किटी है। और इसकी ब्रीड क्या है? ये भी पर्शियन ब्रीड है, ये ब्राउन कलर में है अभी, ये भी 1 ईयर का है एज इसका भी। और जब आप ये सेल करते हैं तो पेपर के साथ देते हैं या बिना पेपर्स के? अगर पेपर्स के साथ में देते हैं अभी, जैसा कि कोई अगर लेना चाह रहा बंदा तो वो कांटेक्ट करने के बाद हम लोग उसको बताते हैं, बताने के बाद उसका जो भी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड वगैरह होता है उसके साथ में इसका जो पेपर्स आए हैं, जैसे कि अभी ये रजिस्टर्ड बिल्ली जो रहती है, जैसे कि अभी WCF रजिस्टर्ड है या CFA रजिस्टर्ड है, तो उसके हिसाब से हम लोग जो भी पेपर है हम देते हैं उसको, तो उसका जो है हम लोग अलग जो है चार्ज रहता है उसका। आपके पास इतनी सारी बिल्लियाँ, इसे मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेनेंस मतलब बहुत सारा ज़्यादा लंबा खर्चा आता है इसका। मेंटेनेंस मतलब इसका डेली जो ग्रूमिंग होता है, डेली का ग्रूमिंग होता है, और जो है इसका मंथ, जैसे कि मैंने बताया था कि 15 डेज में एक बार बाथ देना पड़ता है इसको, और 15 दिन में एक बार डीवॉर्मिंग, और कुछ अगर इसको वायरल कुछ डिसीज़ वगैरह आए, जैसे कि फीवर भी आता है इसको कभी कभी, तो तुरंत जो है उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता, फिर वहाँ पर डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से फिर उसका जो है ट्रीटमेंट करवाना पड़ता, तो ये सारा मेंटेनेंस रहता है। मेंटेनेंस तो बहुत रहता है बिल्लियों में। और इसमें क्या सारे सेलिंग के लिए? हाँ, इसमें कुछ जो बिल्लियाँ हैं, जैसे कि अभी ये वाला जो एक्सट्रीम पंच में मेल है, इसका नाम जो शाह मैंने रखा था, ये भी अभी सेलिंग में मतलब हम लोग परचेस करे हैं इसको। अगर कोई कस्टमर आ गया, कोई लेना चाह रहा है, तो हम लोग इसको सेल भी कर देते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल बंगाल जो एक है ऑस्कर, उसको सेल में लगाया हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये देखिए अब बड़ों के बाद आ गई बच्चों की बारी। ये दोनों शाह के बच्चे हैं, ये बायो है
और ये ब्लैक है, दोनों एक्सट्रीम पंच की ब्रीड के हैं। और दोनों सेलिंग में 45,000 to 50,000 के लिए। अगर इस वीडियो के थ्रू कोई कस्टमर आया तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। फ्रेंड्स, यहीं पे हमारे वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये कैट कलेक्शन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई परचेस करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल आज़मी सिस्टर्स को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।